Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. So, aaj ka presentation hai dosto, Jangid Elysium, which is launched at Borivali East and this is purely commercial office premises. So, let's begin with the presentation. So, friends, Jangid Elysium कमर्शियल प्रमाइसेस है ऑफिस प्रमाइसेस है एंड इट्स अ प्रोजेक्ट बाय इम्प्रिंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दोस्तों एलिवेशन है बिल्डिंग का, जहां पर आप देखेंगे ये ग्राउंड प्लस 32 स्टोरी का टावर है और इसका लैंड पार्सल है करीबन 20,000 स्क्वायर मीटर। और यहां पर आप देखेंगे दोस्तों काफ़ी स्लिम टावर है और ये फ्रंट साइड में आप देखेंगे सारे जो फ्रंट साइड में यहाँ पर सारे कमर्शियल ऑफिस प्रमाइसेस दिए हुए हैं और बैक साइड में आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक पार्किंग दिया हुआ है जो कि 16 माले तक ऑटोमेटिक पार्किंग रहेगा बैक साइड में। उसके बाद 16 माले के ऊपर 17 से ऊपर 32 माले तक जो है वो दोनों साइड ऑफिस प्रमाइसेस है। तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 10 यूनिट है फ्रंट साइड में हर एक फ्लोर के ऊपर और उसके बाद 16 के बाद मतलब 17, 18, 19, 32 माले तक हर एक फ्लोर के ऊपर 20 यूनिट्स हैं। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से अंधेरी ईस्ट से लेकर बोरीवली ईस्ट या दहिसर ईस्ट तक अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिमांड था कमर्शियल प्रमाइसेस का, जो कि पहले जो यहाँ पर बना हुआ है वेस्टर्न एज ही बना हुआ था और वेस्टर्न एज में अगर आप देखेंगे बोरीवली ईस्ट में जो वेस्टर्न एज है वहाँ पर कोई भी यूनिट जो है वो 12 महीने तक कभी भी खाली नहीं रहता है। ओनर तो बैठे हैं अपने जगह पर अदरवाइज भी जो रेंटल वाले हैं अगर खाली भी हो जाता है तो वो इमिजिएटली वो रेंट पे लग जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इस जोन में यहाँ पर वेस्टर्न साइड में फ्रॉम अंधेरी ईस्ट टू बोरीवली एंड दहिसर ईस्ट यहाँ पर कमर्शियल प्रमाइसिस की बहुत ज़रूरत थी, स्पेशली ऑफिस प्रमाइसिस की और वो भी छोटे ऑफिस प्रमाइसिस की, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बड़ा यूनिट साइज नहीं होना चाहिए, जो कि राइट प्रोडक्ट यहाँ पर डेवलपर लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है जांगिद एलिज़म जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। फिर किसी को अगर बड़ा यूनिट चाहिए तो 500 का आप डबल कर सकते हो, 1000 कर सकते हो उसके ऊपर और 500 ऐड करके आप 1500 भी कर सकते हो, बट दिस इज़ द राइट प्रोडक्ट जो डेवलपर लेकर आए हैं और वो भी राइट एरिया में राइट डिमांड है इस लोकेलिटी में ऑफिस प्रमाइसिस के लिए और स्पेशली इस टाइप के ऑफिस के लिए जो कि काफ़ी लग्जरी प्रोजेक्ट है और अपने आप में अगर आप बिल्डिंग पे अपने आप में आप देखोगे तो काफ़ी जो बेहतरीन लुक है बिल्डिंग का और जो बाहर का ग्लास फसाड आप देखोगे, इवन द एमिनिटीज़ आप बिल्डिंग के अंदर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे एमिनिटीज़ इस बिल्डिंग के अंदर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर दिए हुए हैं। So we can say this as a great plus commercial office premises. So दोस्तों यहाँ पर पीछे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर 16 से 17 माले तक ऑटोमेटिक पार्किंग दिया हुआ है जो कि बिल्डिंग के लुक को भी खराब नहीं दिखता है, काफ़ी इवेंट रखा है, दोनों पैरेलल रखा है इसको, तो बिल्डिंग का लुक भी जो है उसको ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्ट ने बहुत अच्छी तरह इसको डिज़ाइन किया हुआ है। तो फ्रंट साइड से कुछ ऐसे दिखेगा टावर और ये बैक साइड का व्यू जो कि नॉर्थ फेसिंग व्यू रहेगा। सो फ्रेंड दिस इज जांगिद एलिज़म अ प्रोजेक्ट बाय इम्प्रिंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एट बोरीवली ईस्ट। लोकेशन वाइज आप देखेंगे दोस्तों ये जो है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है और ये इसके ऊपर जो बताया हुआ है ये मेट्रो लाइन है जिसके पैरेलल चल रही है। यहाँ पे कहीं पर कार्निवल सिनेमा है इस बिल्डिंग के बाजू में। तो अगर आप बोरीवली से आते हो तो यहाँ पर एक रोड है जो यहाँ से आप कॉम्प्लेक्स के लिए आप आ सकते हो अंदर, या अदरवाइज आप गोरेगांव की तरफ से आते हो तो नीचे सबवे से कार्निवल की तरफ से आपको अंदर आना है। ठाकुर विलेज से आते हो तो भी यहां से आप आ सकते हो, अगर आप पीछे से मगाठाने से आते हो, इस तरफ से पीछे से मगाठाने से अगर आप आते हो तो भी आप इस प्रोजेक्ट के लिए आ सकते हो। तो देर आर 5 लेन्स विच आर कनेक्टिंग टू दिस प्रोजेक्ट जांगिद एलिज़म। सेकेंडली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से काफ़ी नज़दीक है तो बाय रोड और बाय मेट्रो आप इजीली आप अपने डेस्टिनेशन पे आप पहुंच सकते हो। तो इसका लॉबी एंट्रेंस आप देखोगे इट्स अ वेरी ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी एंट्रेंस विद 30 फीट हाइट
and very beautifully and rich and royal look of the lobby entrance. And there is a reception cabin over here. तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो जो ऑफिस प्रमाइसिस जो बनेगा, जो बिल्डिंग जो बनेगी, वो काफी लग्जरी क्वालिटी की बिल्डिंग बनेगी। यहाँ पर भी आप देखोगे जो ड्राइव वे है, इट इज वेरी लग्जरी लुकिंग ड्राइव वे। एंड इसके ऊपर भी आप ग्लास फसाड आप देखेंगे, जब रात को जब बिल्डिंग की जब लाइटें वगैरह जब चलेगी तो इट विल लुक मोर ग्लैमरस। अगेन एमिनिटीज को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला तो यहाँ पर फिटनेस सेंटर दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम है, कैफेटेरिया है, पार्किंग इज ऑटोमेटिक पार्किंग एंड देयर इज अ क्रीच आल्सो। तो जो लेडीज यहाँ पर काम करने आते हैं और उनके छोटे बच्चे हैं वो कहीं पर छोड़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर क्रीच का फैसिलिटीज दिया हुआ है, तो अपने वो बच्चे को नीचे क्रीच में रख सकते हैं। दोस्तों ये प्लान में अगर आते हैं तो दिस इज द लोकेशन मैप ऑफ द एरिया। यहाँ पर ब्लू कलर जो आप देख रहे हैं सारा नेशनल पार्क है, और ये जो येलो लाइन है ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, और जो डॉटेड लाइन है ये मेट्रो लाइन है जो इसके पैरेलल चल रही है, और ये जो लाइन है वो रेलवे लाइन है, ये बोरीवली स्टेशन है और ये कांदिवली स्टेशन है। सो दोनों तरफ से आप यहाँ से आप आ सकते हो, दोनों स्टेशन से आप आ सकते हो। और ये जो प्रोजेक्ट है ठाकुर विलेज से काफ़ी कनेक्टेड है, तो अगर कोई पार्सल या कोई होटल में जाना है या कोई पार्सल मंगाना है या कुछ मंगाना है तो ईजिली ठाकुर विलेज में एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो इकोसिस्टम भी इस प्रोजेक्ट के काफी नजदीक है। सो दोस्तों मेट्रो रेल है वो 5 मिनट के डिस्टेंस पर है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क 7 मिनट के डिस्टेंस पर है अगर ट्रैक्स एंड ट्रायल्स के लिए जाना है तो, रेलवे स्टेशन 10 मिनट्स के डिस्टेंस पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट 33 मिनट्स, रेस्टोरेंट हॉस्पिटल्स एंड अदर एमिनिटीज आर वेरी क्लोज बाय। जैसे मैंने आपको बताया कि इट इज एवरीथिंग इज देयर इन ठाकुर विलेज, तो आजकल स्विगी और जोमैटो तो इजिली अवेलेबल है। तो दोस्तों ये इसका फ्लोर प्लान है, जैसे मैंने बताया पीछे के तरफ जो है ये सारा पार्किंग दिया हुआ है अप टू 17 फ्लोर, और 17 फ्लोर तक एक ही तरफ यूनिट आएंगे, तो टोटल 10 यूनिट्स है यहाँ पर, जो कि मिनिमम कारपेट एरिया इसका शुरू होता है 409 से और मैक्सिमम कारपेट है 646, जो बीच में आप देख रहे हैं ये सारा 646 है। और ये जितने भी यूनिट्स आप देख रहे हो दोस्तों ये सारे सेल्फ कंटेन है, यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे सेल्फ कंटेन है यहाँ पर। और स्टेयरकेस वाइज अगर आप देखेंगे तो 2 स्टेयरकेस है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिफ्ट है। फिर उसके बाद 18 से लेकर 31 फ्लोर तक आप देखेंगे दोनों तरफ यूनिट दिया हुआ है, ये आप देखेंगे दोनों तरफ यूनिट है। पोजीशन फॉर दिस बिल्डिंग इज इन दिसंबर 2025। सो ऑल द साइजेस ऑफ द यूनिट आप देखेंगे बहुत ही रीजनेबल साइजेस रखा हुआ है, कोई सीए, कोई किसी को स्टूडियो खोलना है या किसी को बैकअप ऑफिस खोलना है तो उनके लिए ये परफेक्ट साइज है। और ऐसे यूनिट जो है वो रेंट पे भी जल्दी चले जाते हैं, तो अगर कोई इन्वेस्टर अगर लेना चाहता है तो उनके लिए भी ये राइट ऑप्शन है, राइट लोकेलिटी है, राइट प्रोडक्ट है और राइट डेवलपर है। तो दोस्तों बुकिंग के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर, वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।